हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टेडिया आई क्यूकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं राजस्थान नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती का मामला आपको बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। नर्स ग्रेड द्वितीय जिन्होंने पेपर दिया था उन विद्यार्थियों के लिए यहां पर खुशखबरी का मौका है। जिन विद्यार्थियों ने राजस्थान से हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह खबर है बहुत ही अच्छी, और जो बाहर राज्य वाले हैं उनके लिए यहाँ पर दुख भरी खबर। तो चलिए पूरी जानकारी देखते हैं, और यह होना भी चाहिए क्योंकि ऐसी खबर बहुत ही अच्छी है। राजस्थान के जो विद्यार्थी है आरक्षित वर्ग वाले उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की अपडेट है। तो देखते हैं क्या अपडेट है। राजस्थान नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, राजस्थान के विद्यार्थियों को खुशखबरी। अभी 1 बजे की न्यूज है, ये देख सकते हो 1:30 की न्यूज, बड़ी खबर नर्स ग्रेड का यहाँ पर देख सकते हो आज के न्यूज़पेपर में आई हुई है। तो चलिए पूरी जानकारी आपको दिखा देते हैं। ऐसी अपडेट देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए यहाँ हम कुछ भी करके इस वैकेंसी का रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पूरी जानकारी देखते हैं। पहले नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती पर कोर्ट ने कहा, आरक्षित पदों पर प्रदेश के मूल नागरिक की अनिवार्यता सही। तो प्रदेश के नागरिक है उनके लिए यहाँ पर आरक्षित पदों पर नागरिकता सही है, यानी कि अनिवार्यता सही है। क्या न्यूज है, जोधपुर राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट व न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने राज्य सरकार के नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती में एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध अपील याचिकाओं को स्वीकार करते हुए एससी एसटी तथा ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पदों के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान रजत, राजस्थान, आगे जानकारी देख सकते हो क्या है, मूल का नागरिक होने के अनिवार्य होने की शर्त को उचित बताते हुए कहा। यानी कि जो एससी एसटी ओबीसी है उनको नागरिक यानी कि राजस्थान का होना चाहिए, तभी उनको ये आरक्षण की सूचना उनकी मिलेगी, यानी कि उनको लाभ मिलेगा जो इनको आरक्षण मिला हुआ है राजस्थान में ये। तो चलिए आगे, और क्या जानकारी है, होने की शर्त को उचित मानते हुए कहा कि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति वर्ग के हो तो, लेकिन मूल रूप से राज्य के बाहर के से संबंध रखते हैं, तो इसलिए उन्हें यहाँ भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। यदि वो बाहर राज्य से संबंध रखते हैं तो उनको यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, साफ न्यूज आ रही है, यहाँ पर नहीं मिल सकता। एलजी करण सिंह राजपुरोहित या अधिवक्ता रजत अरोड़ा ने अपील पेश कर कोर्ट को बताया कि नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती आवेदन मांगे गए थे। इस भर्ती के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि दूसरे राज्य के एससी वर्ग के अभ्यर्थी जिनकी जाति राजस्थान में भी एससी वर्ग में अनुसूचित हैं तथा ये लंबे समय से यहाँ निवासरत हैं, फिर भी भर्ती में इस वर्ग की पात्रता नहीं रखते हैं। इसके बावजूद एकल पीठ ने एक अभ्यर्थी को भी जो मूल रूप से जाटव जाति से हैं, यह जाति उत्तर प्रदेश व राजस्थान दोनों की ही जगह की एससी वर्ग में अधिसूचित है, उसके पिता राजस्थान आ गए थे तथा पिछले 20 सालों से यही पर रह रहे थे। तो ये यहाँ पर सूचना बड़ी खबर थी। हाई कोर्ट ने इनको यहाँ पर सरकार को फटकार लगाई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर एस सी एस टी जो वर्ग के शामिल है विद्यार्थी उन्हीं को आरक्षण दिया जाएगा, ना कि जो बाहर के राज्य के हैं। मान लो एस सी वर्ग में आता है तो राजस्थान में आकर के भी फॉर्म भर के एस सी में आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, वो जनरल में चला जाएगा। यहाँ पर बड़ी खबर है इन सभी विद्यार्थियों के लिए, एस सी एस टी ओ बी सी वालों के लिए, कि आरक्षित में वो आरक्षित में रहेंगे और राज्य के यहाँ पर आरक्षित वर्ग में नहीं आ सकते। बड़ी खबर दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट ने आपके लिए बड़ा कदम उठाया है सभी राजस्थान के वासियों के लिए। और एक बात मैं उम्मीद करना चाहता हूँ राजस्थान सरकार से, हाई कोर्ट से, कि यहाँ पर जो बाहरी राज्य का कोटा है वो बहुत ही कम किया जाए, ताकि जो राजस्थान के बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर बेरोजगार नहीं रह जाएंगे, और नहीं तो इस प्रकार बेरोजगारी बढ़ती जाएगी राजस्थान में और राज्य के यहाँ पर रोजगार लेते चले जाएंगे। तो राजस्थान के जो ग्रामवासी है या राजस्थान के जो भी बेरोजगार हैं उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए कि यहाँ पर कोटा कम किया जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपने बात समझ में आ गई होगी। आपको धन्यवाद दोस्तों, अगले अपडेट के साथ आप दोबारा से मुलाकात करते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी वैकेंसी को लेकर के तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।